आसिबो संपूर्ण खबर को आज आरंभ होइछि मागणा प्रिकॉशन डोज राजधानी रे 19 स्थान रे दिया जाउछि टीका 65 दिन भितरे 7 लाख लोक नेबे डोज सेबटे कोविड बढ़ुतबारु सचेतनता लागि कॉर्पोरेटर वार्ड ऑफिसरन को नै वार्ड स्तरीय कमिटी गठन होइछि एबे दैनिक 3000 अधिक टेस्टिंग करा जाउछि आगो को टेस्टिंग को द्विगुणित करबा लक्ष्य प्रिकॉशन डोज पई लंबा लाइन हातरे अछि आधार कार्ड कैपिटल हॉस्पिटल यूनिट 4 गोष्ठी स्वास्थ्य केंद्र रे भिड़ 75 दिन रे बूस्टर डोज नेबे 7 लाख हिताधिकारी राजधानी रे आरंभ होई छि 18 रु 68 वर्ष वयस्क वर्गक मागणा प्रिकॉशन डोज भुवनेश्वर रो 19 सेंटर रे चली छि टीकाकरण यूनिट 4 सहरांचल गोष्ठी स्वास्थ्य केंद्र रे यहार शुभारंभ कले बीएमसी कमिश्नर ओ परिवार कल्याण निर्देशक बीएमसी अंचल रे कोविड बढ़ुतिबारु कैंपेन मोड रे टीकाकरण करा जिबा स टेस्टिंग बढ़ाइबा को दिया जाइछि गुरुत्व एबे दैनिक 3000 रु अधिक टेस्टिंग करा जाउछि हेले आगो को टेस्टिंग को द्विगुणित करबा को चेष्टा करा जाउछि ए जो फ्री बूस्टर डोज आरंभ हे जाइछि प्रोग्राम एबे सबु सेंटर रे ए त्वरान्वित हेबो या सहित सब सेंटर इनफॉर्मेशन इन प्रायर आज आम सब जनसाधारण मान पाखे दिबे आपन माध्यम रे मीडिया माध्यम रे एवं सोशल मीडिया माध्यम रे डिटेल जोटी जोटी आमर वैक्सीनेशन होची और को वैक्सीन होची बीएमसी एरिया रे कोविड पेशेंट बढ़ुची तो आमर फोकस रहिबो वैक्सीनेशन एवं टेस्टिंग उपरे तो टेस्टिंग मध्ये आम एबे पाखापाखि आम 3000 उपरे जाउछु डबलिंग पाई आम आमर चेष्टा अछि भुवनेश्वर रे कोविड नियंत्रण लागि सचेतन पई वार्ड स्तरीय कमिटी गठन होईछि एथिरे कॉर्पोरेटर वार्ड ऑफिसर को स किछि नागरिक को नै कमिटी गठन होईछि सदस्य माने लोकंकु कराइबे सचेतन बिना मास्क रे काहा को प्रवेश करिया पई न देबा को सब मॉल ओ व्यवसायी को कहा जाइछि एहा को आहुरी कडाकडी भाबे मॉनिटरिंग करा जिवो जेउ माने पॉजिटिव अछन्ति प्रथमे होम आइसोलेशन ओ आवश्यक पड़िले हॉस्पिटल ले भर्ती हेबे सेपटे कैपिटल हॉस्पिटल ले दैनिक 700 लोकों को बूस्टर डोज दिया जिवो मार्केट वाला हो या मॉल हो एंड अन्य जगह रे तो आमे मास्क तंको समस्त को अनुरोध करू छी कि बिना मास्क रे कहा को अलाउ करंतु नै या को और अधिक स्ट्रिक्टली आमे मॉनिटर करिबू और या सहित तो टेस्टिंग बढ़ाई के जो जो पॉजिटिव अछंती तंको फर्स्ट होम आइसोलेशन आ यदि दरकार हैला तंको हॉस्पिटलाइजेशन प्रिकॉशनरी डोज ସେଥିଲାଗି ଲୋକଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ବି ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କିମ୍ବା ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ ତା ଲାଗି ଆମର ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଯାବତୀୟ ଯେଉଁଠି ଦିଆଯାଉଥିଲା ସେଠି ଦିଆଯିବ ଆଉ ଦିନକୁ ଆମର 500 ରୁ 700 ଲୋକଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିଛୁ ହଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଇନ୍ ବି ହେଇଛି ଆମେ ସୁବିଧାରେ ବି ନେଇପାରୁଛୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ମୁଁ ସେ ପୁଅ ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ଟା ବର୍ଷେ ତଳେ ନେଇଥିଲି ମୁଁ ଏଇଟା ଥାର୍ଡ଼ ଡୋଜ୍ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ୁଛି ସରକାର ଆମର ମାଗଣା ଟୀକା କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆସିକରି ଥାର୍ଡ଼ ଡୋଜ୍ଟା ଯେଉଁମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ ନେଇଛନ୍ତି ଥାର୍ଡ଼ ଡୋଜ୍ଟା ଆସି ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ସଚେତନ ହୋଇ ରହିବା ଆମ ପରିବାର ସେଫ୍ରେ ରହିବ ତାହେଲେ ଆମେ କାହିଁ ନ ନେବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତ ଦେଉଛି ନା ଆମେ କ'ଣ ଟଙ୍କା ଦେଇକି ନେଉଛେ କି ଆମେ ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେହେତୁ ଦେଲା ସଚେତନ ପାଇଁ ସେଫ୍ଟି ସେଫ୍ଟି ପାଇଁକି ଆମେ କାହିଁକି ନ ନେବା ନ ନେଇକି ଆମ ପରିବାରକୁ ଆମେ ନିଜେ ବଞ୍ଚିବା ନିଜେ ବଞ୍ଚିବା ସହିତ ଆମ ପରିବାରକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବା ଏବେ ବି ରାଜଧାନୀରେ ଅମାନିଆଙ୍କ ରାଜ ଚାଲିଛି କଟକଣାକୁ ଏମାନେ ବାଟବଣା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ତା ଭିତରେ ପ୍ରିକସନ୍ ଡୋଜ୍ ନେବେ 7 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଆଶିଷ ଦାସଙ୍କ ସହିତ ସୁମନ ସୁନ୍ଦରାୟ ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ମୋଟ 8 ସ୍ଥାନରେ ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ ଦିଆଯାଉଛି 18 ବର୍ଷରୁ 69 ବର୍ଷର ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ ଦିଆଯିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି ସକାଳ 10ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ଉଭୟ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଓ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ ନେଇପାରିବେ ହିତାଧିକାରୀ ସହରର ବୈକୁଣ୍ଠ ନଗରରେ ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ ଟିକାକରଣର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ମେୟର ସଂଘମିତ୍ରା ଦଳେଇ ରାଜଧାନୀରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ସ୍ତ୍ରୀର ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଖବର ଶୁଣି ବିଷ ପିଇଲେ ସ୍ୱାମୀ ସିଦ୍ଧି ବିନାୟକ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଥାନା ପୁଲିସ୍ ପହଞ୍ଚି ଝୁଲନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ମହିଳାଙ୍କର ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ପାରିବାରିକ କଳହରୁ ଦମ୍ପତି ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ରାଜଧାନୀରେ ପୁଣି ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଶେଷ ଫୋନ୍ କଲ୍
स्वामी को आत्महत्या करथुवा कथा कही झुली पड़िले। पत्नी को आत्महत्या परे स्वामी को भी आत्महत्या उद्यम। एभली एक घटना सामना को आसी लक्ष्मीसागर थाना अंचल सिद्धिविनायक आपार्टमेंट भितर स्वामी और स्त्री को उद्धार करथिला पुलिस। पर एक घरोई हॉस्पिटल रे उभय को भर्ती कर मिलिथिबा सूचना अनुसार संजना आत्महत्या करिया पूर्वरु तांको स्वामी संजय को फोन करी आत्महत्या करिबा कथा कहिथिले। तने संजय स्त्री को फोन कॉल काटिया परे घरे पहुंची देखिथिले स्त्री आत्महत्या करछंती एवं से निजे मध्य विष पी आत्महत्या करथिबा पुलिस पक्षरु जणा पडछि। सिद्धिविनायक अपार्टमेंट रे परिवार सह रुहंती युवक व्यवसायी संजय परिवार स्त्री संजना और दुई छुआ को नहीं परिवार संजयंकर कटक रोड रे एक लुगा दुकान रही। स्वामी स्त्री उभय से ही दुकान रे रुहंती हेले सकाळु संजय दुकान को जाइथिबा बेले संजना जाई नथिले। दिन प्राय 11:30 बेले स्वामी को फोन करी आत्महत्या करथुवा कहिथिले। संजय घर आसी देखिला बेळकु संजना लुगारे झुली पडछंती। एहा परे संजय मध्य विषपी आत्महत्या उद्यम करथिले बोली कहिछंती लक्ष्मीसागर थाना अधिकारी। गोटे फैन रे हैंगिंग है सुसाइड करी खबर पाई आम आसी देखला स्त्री रिसीव डेड होती स्वामी गुरुतर अवस्था अच्छा ट्रीटमेंट चली अनुसंधान चलो जमापड़ कौन है कौन ना स्त्री मृत्यु हाँ स्त्री कारण जमापड़ी जहाँ बोध हुए फैमिली डिस्प्यूट किसी पारे आगे अनफॉर्चुनेट अच्छी बाकी किसी ये ना कौन पर से गला महाप्रभु जान थे किसी नहीं प्लीज ना ना किसी भी डिप्रेस ना आम भी अचंबित कहीं किसी भी ना आज्ञा ठीक सबड़े मृतदेह को व्यवच्छेद कैपिटल हॉस्पिटल को पठाई लक्ष्मीसागर थाना पुलिस। संबलपुर विश्वविद्यालय रे पुणी प्रश्नपत्र लीक परीक्षा पूर्व गोटे मोबाइल अन्य एक मोबाइल को घूरी बुलू प्रश्नपत्र आज दिन 10:00 विश्वविद्यालय रे फिजिक्स बा पदार्थ विज्ञान परीक्षा हेबार थिला हेले ता पूर्वरु लीक होइतला प्रश्नपत्र विश्वविद्यालय कर्तृपक्ष निकट में खबर पहुंचा पर भाइराल प्रश्नपत्र ओरिजिनल प्रश्नपत्र को मेल कर दुईट जाक प्रश्नपत्र मिसी जाता जांच पर आज फिजिक्स परीक्षा को परीक्षा नियंत्रक बातिल कर परीक्षा केबे हेबो ताहा परे अवगत कराई दिया जीवो। गतकाली एजुकेशन अनर्स प्रश्नपत्र लीक हेबा परीक्षा बातिल होइथिला आज पुणी फिजिक्स प्रश्नपत्र लीक हेबारु अनेक प्रश्नवाची सृष्टि होउछि किभली होउछि प्रश्नपत्र लीक एहा पछरे कहार रहिछि संप्रति ताकु नै आरंभ होइछि खोलताल। संबलपुर विश्वविद्यालय अधीन 205 महाविद्यालय एही सब कॉलेज रे गत 12 तारीख रु युक्त 3 सेमिस्टर परीक्षा आरंभ होइछि जा असंता 20 तारीख पर्यंत चलिबो। एही समय मध्ये दुई दुईटी प्रश्नपत्र लीक हेबा विश्वविद्यालय प्रतिष्ठा प्रश्नवाची सृष्टि करिछि। विश्वविद्यालय मुख्य परीक्षा नियंत्रक डाक्टर रवींद्र पाणिग्राही सूचना अनुजाई कुचिंडा कॉलेज रे जड़े प्रोफेसर को प्रश्नपत्र प्रस्तुत करने को दिया जायतिला सही ठारु लीक होइथाय पारे बोली संदेह करा जाउछि। एने तदंत चलिछि तदंत परे जीए दोषी सेमानक विरोध में कठोर कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जिवो एने थाना रे मध्ये एतला दिया जायछि। तबे दुई दुईटी प्रश्नपत्र प्रकट पर 6th सेमेस्टर परीक्षा आउ हेबो आउ केबे हेबो ना सबु परीक्षा बातिल करा जाय आउ थरे समस्त परीक्षा करा जिवो सेरे खूब शीघ्र निष्पत्ति नियाजो बोली विश्वविद्यालय कर्तृपक्ष कहिछन्ते। ये आदमी है जिसने तीनों पेपर बनाए थे तो ऐसा हमें डाउट हो रहा है कि उसी के एंड पे ये लीक हुआ है तो अभी हमने उसको और उसके प्रिंसिपल दोनों को बुलाया है। जो भी एक्शन होगा क्योंकि वो एडेड कॉलेज है तो हम तो रिकमेंड करेंगे कि उसको हम एग्जामिनेशन आगे कोई काम ना दिया जाए और कॉलेज को कहें कि भी इसकी जगह कोई दूसरा आदमी रखा जाए। वो अभी जो हमें पता चल रहा है जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन से वो तो एग्जामिनर के एंड पे ही पता चल रहा है बाकी यहाँ पे तो कोई स्कोप नज़र नहीं आ रहा लीकेज होने का। अगर हो सकता है तो सीओई के लेवल पे जहाँ ईमेल आता है वहाँ पे हो सकता है क्योंकि ये ओरिजिनल फॉर्मेट में लीक हो रहा है प्रिंटेड फॉर्मेट में लीक नहीं हो रहा है। अभी तो एक कमेटी हमने बनाई है इंक्वायरी के लिए और पुलिस में FIR भी हमने अभी लॉन्च कराई है हमारे रजिस्ट्रार साहब भेज रहे हैं FIR तो उसके बेसिस पे ऊपर हम तीनों लेवल पे ही इन्वेस्टिगेशन करेंगे एग्जामिनर के लेवल पे BOS के लेवल पे जहाँ से इनका नाम आया और तीसरा जो हमारा CO यूनिट है वहाँ पे जहाँ पे ये ईमेल आता है तीनों लेवल पे इन्वेस्टिगेशन करेंगे और जो इनके ऊपर एक्शन होगा जो एडेड कॉलेज वाला है उसको तो हम डिबार कर देंगे फ्रॉम एग्जामिनेशन वर्क और कॉलेज को लिखेंगे कि भी इस प्रोफेसर को भी हटा दिया जाए कॉलेज से। बाकी तो देखो ऐसे एडेड कॉलेज है उसमें तो हमारा कोई ज़्यादा रोप नहीं चलता है बाकी जो हमारा प्रोफेसर है अगर वो इसमें पाया गया तो बट नेचुरल
क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्चुअल है, तो फिर हम उसको नहीं रखना चाहेंगे। विश्व युव दक्षता अवसर में कटक भुवनानंद ओडिशा स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग प्रतिष्ठान ने टेक्नो एक्सपो 2022 कार्यक्रम अनुष्ठित होइछि। अनुष्ठान विभिन्न ट्रेडर छात्र छात्री माने एक्सपो रे निजर दक्षता प्रतिपादन करिछन्ति। नुआ ज्ञानकौशल जरिया रे एवं कम खर्च रे किभली आगकु विभिन्न यंत्रपाति निर्माण करिहेबो ताहा एही एक्सपो रे थिबा 60 स्टॉल ले प्रदर्शित करथिले छात्र छात्री। विशेष करी कि सिविल एवं मेकानिकल इंजीनियरिंग रो छात्र छात्री माने डबल डेकर पोलो, स्मार्ट हेलमेट, ऑटो सेंसर गाड़ी हेडलाइट, स्मार्ट बाथरूम एवं तीनिटी रोबोट इत्यादि नमूना प्रदर्शन करते। कटक जिलापाल टेक्नो एक्सपो को उद्घाटन करने छात्र छात्री मनोबल वृद्धि करने आगामी दिन में सहायतार हाथ बढ़ाइबे बोली कहिछन्ति जिलापाल। मानकर इनोवेटिव आइडियाज को डिफरेंट मॉडल्स माध्यम रे से डिस्प्ले करने सक्षम होती सेटा पिला मानकर बौद्धिक उन्नति सहित टीम स्पिरिट बढ़ेबो एवं आमर टेक्निकल रेवल्यूशन आनिबारे निश्चित भाव में साहय कर। हेलमेट टी न पिंधुंत तेज गाड़ी टी स्टार्ट हेबना गाड़ी इंजन सर स्टार्ट हेबना। सेकेंड टी हूँ ड्राइवर टी सर आम हेलमेट टी पिंधि कि सर अल्कोहल ड्रिंक कर तेब सर गाड़ी इंजन स्टार्ट हेब ना माड हम से ऑटोमेटिकली वाइब्रेशन हम प्लस कौन करना घर लोक मानने जो ड्राइव मानने जो गाड़ी चालक मानने पर कदिकी सर गोटे मेसेज टे जी बाइक एक्सीडेंट हेल्ड बोली मेसेज गोटे पाला भितर जो अंतर्निहित जो इनोवेटिव आइडिया थिला कॉन्सेप्ट थिला सेटा आज से मेटेरियलाइज कर जो जो टेक्नोलॉजी शिखुंत केमती आम आप्लाय करू मनुष्य जीवन में केमती मनुष्य वास्तवत आप्लाय करू से शिखि पार्ट। आरंभ होइछि श्रावण मास। आसंता सोमवार रे देवदेव महादेवंक मस्तक रे शिवभक्त जळलागि करिवे। दुई वर्ष धरि कोरोना पई बंद थिला बोलबम जात्रा, हेले एथर कटकणा नथिबारु कटकर ऐतिहासिक गडगडिया घाटरु जळ नै राज्यर विभिन्न शैवालयकु जात्रा आरंभ करिछन्ति काउडिया। बोलबम हरर बम दीर्घ दुई वर्षर व्यवधान पर ध्वनि प्रकम्पित होउछि कटक ऐतिहासिक गड़गड़िया घाट। श्रावण सोमवार शिवंक मस्तक जल लागी करिया पई गड़गड़िया घाट में जमी बोलबम भक्तों भिड़। कांधरे बाहुंगी और पाणी कलश धरी राज्यर विभिन्न शैवालय अभिमुखे यात्रा आरंभ करिछन्ति काउडिया। एमानंक भितरु किछि शिवभक्त लोकनाथ और आरड़ी भली दूर स्थान को यात्रा करुथवा बेले आउ किछि निज निज गाँव में थिबा शिवालय रे महादेव को जल लागी करिया पई बाहरिछन्ति। यही वर्ष आमको से सुजोग मिली छात्र पाखे जलाभिषेक करने कटक गड़गड़ी पा उठे जीव ए पूरी आज्ञा आम जो अच्छा गुरुजन लोक आम सहित जी आस पूर्व पुरुष आज्ञा लोक मैंने ये आसुँच तार नियम रही है गड़गड़िया घाट रु उठा पा से आम आसु आम आसलु नयगढ़ बाउंसपड़ू आउ कटकु पा उठाऊ लकडाउन दुई वर्ष बंद थी ए वर्ष बहुत खुशी लगुच बहुत श्रद्धा भी अच्छा आउ गाँव में जाकि पानी ढालू ओ पांच वर्ष होगा गले दु वर्ष बंद था ये वर्ष बहुत खुश लगुच महादेवों कटक गड़गड़िया घाटर जल नहीं था श्रद्धा एथपाई श्रावण मसने गड़गड़िया घाट को प्रतवर्ष राज्यर विभिन्न स्थानों शिवभक्त स्व छुट्टी थाए विशेषकर गुरुवार ठू आरंभ कर रविवार पर्यंत गड़गड़िया घाट में बोलबम भक्तों भिड़ देखा मिलता है। तेज कोविड कटक हटा पर दुई वर्षर व्यवधान में पुणी एक जललागी सुजोग मिलथिबारु खुशी प्रकाश करिसंती काउडिया। तेबे एथर कटक धवलेश्वर पीठ से बाहुंगा को अनुमति मिलनी झूला पोल पूर्वरु बाहुंगी रखी केवल कलश नहीं पीठ को जाईपरिबे श्रद्धालु। बहुत भल लगुच वर्ष जीवाप आम दु वर्ष न जाकि बहुत मन दुख था श्रावण मस मन पड़े से श्रावण में पा भर नहीं जावा कथा दैव कोरोना कटका सकाशे आम आम पाखर मंदिर को नहीं ढाई आसुलु ए बर्ष बहुत भल लगुच लोकनाथ मंदिर को जीव गड़गड़िया घाटर भक्त मान सुविधापे विभिन्न प्रकार जहाँ जहाँ व्यवस्था करा कथा करेटर व्यवस्था कराई समस्ते श्रृंखलित भाव में आज दर्शन करेंगे और जल लगी करेंगे एवं समस्त काउडिया बंधु मानको आपण मानको माध्यम रे मु अनुरोध करबी हमर झूला पोल पूर्वरु समस्ते बाउंगे की रखिबे एवं ढाळकु हातर धरिक रेसबे। बोलबम भक्त मानकर दीर्घ दुई दिन हेलाणी गडगडिया घाट रे भिड़ लागथिले मध्ये एठी प्रशासन पक्षरु कोनोसी व्यवस्था ए पर्यंत ग्रहण करा जाय नाही। ना एठार अछि सतर्क सूचना लेखाथिबा किछि फलक ना पावर बोट ना पुलिस प्रशासन तबे ए दिगरे
प्रशासन पक्षर यथाशीघ्र पदक्षेप ग्रहण कर आवश्यकता रही। कटकु नवेश महांती, न्यूज 18 ओडिया।